भाई आज ना आपको लेकर जा रहा हूँ हिमाचली सरदार जी के पास, ऐसा जायका दिखाने जो पूरा हिमाचल है ना वो दीवाना उनके जायका, और ऐसा स्वाद बेचते हैं कि इतनी क्वांटिटी के अंदर ना पूरे शहर में कोई और वो सामान बेच ही नहीं सकता भाई। ये सबसे पहले तो दुकान का सेटअप देखे, एकदम छोटी सी दुकान है पर जो नाम है ना पूरे शिमला में बहुत बड़ा है। सिंह साहब सत श्री अकाल। सर थैंक यू सबसे पहले तो टाइम दिया जी आपने अपना। थैंक यू जी। सर नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भवनीत है। मनमीत। भवनीत। क्या बात है। और प्यार से क्या बोलते हैं? भानु बोलते हैं। प्यार से भानु बोलते हैं। ये कुकर की सिटी सुनो भाई, ये क्या बन रहा है सर? ये राइस बन रहे हैं। अच्छा, ये राइस बन रहे हैं और ये सामने है जी राजमा। ये राजमा, वाह, पहाड़ी राजमा, ऊपर कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, भाई बहुत सारे मसाले नजर आ रहे हैं। सर ये दिखाइए आगे, ये कौन सा पतीला है? ये व्हाइट चने का पतीला है। वाह भाई, ये देखिए व्हाइट छोले। सर मैं ना काफी फूड एक्सप्लोर कर चुका हूँ आपके शहर में। हाँ जी। जो मसालों की खुशबू आपकी दुकान पे आ रही है ना, हाँ जी, हाँ जी। वो कहीं और खाने में दिखी नहीं मुझे। हाँ जी, हाँ जी। भाई एकदम ना छुपा के, जैसे छुपा हुआ खजाना होता ना। भैया ने कड़ी रखी। सर पकौड़ा दिखाइए इसका, कैसा? पकौड़ा नहीं होता जी, नॉर्मल। पकौड़ा नहीं डालते जी? नहीं नहीं, यहाँ पे बिना पकौड़े कड़ी चलती है। एक सामने भैया ने राइस रख रखे, फटाफट आपको प्लेट दिखाता हूँ। दिखाइए सर कैसे लगती है प्लेट। तो भाई ये मिक्स की प्लेट लग रही है, इसके अंदर चने आ रहे हैं। और प्लेट सिंह साहब कितने की रहती है अपनी? हाफ 60 की। ये जो मेरे हैंड में है ये 80 रुपीस पर प्लेट है। ओके, ये फुल प्लेट रहती है ना? हाँ जी, हाँ जी, फुल प्लेट। ये देखिए राजमा भी आ गए बीच में, साथ में आगे छोले। अरे वाह, कड़ी भी, क्या बात है यार। तीनों सब्जियों का प्यार एक ही प्लेट के अंदर। अगर भैया कोई ऐसा ग्राहक आ रहा है जो कंफ्यूज है, कड़ी खाऊं राजमा खाऊं, आप ये दे देते हो? हाँ जी, हाँ जी भैया, आप सब कुछ खाओ, सब कुछ खा लो। जबरदस्त यार, जबरदस्त भाई। ये ना आपको बाजार दिखाना चाहूंगा, देखो एकदम तंग बाजार, और जो माहौल है ना वो बहुत ही बढ़िया है। सर अभी जब मैं आया आप सिलेंडर को हिला रहे थे। हाँ, बहुत जमा हुआ है। अच्छा, यहाँ ठंड होता है एक्चुअली जी, बिल्कुल सिलेंडर जमा हुआ है बिल्कुल नीचे। जी जी, वो देखिए भाई, ये अब थोड़ा हो गया ठीक। तो आपने उस समय का माहौल बना लिया हुआ, जैसे सर्दियों में सिलेंडर जमता है। हाँ जी, हाँ जी, तो उसको हिलाकर गैस को जगाना पड़ता है। चलो नेक्स्ट, क्या लगा रहे सर आप? ये हाफ प्लेट लग रहा है, ये किसी कस्टमर का प्लेट जी। ये हाफ प्लेट लग रही है भाई, चने चावल की। हाँ जी, हाँ जी। और जो चने भी है ना भाई, उसकी रंगत चेक करो, व्हाइट छोले की कितनी ही सुंदर आ रही है। वाह वाह वाह, ये ऊपर आई जी छोले। ये साथ में राजमा चाहिए सर, साथ में ज्यादा। लो जी, लो। ये देखिए सर ने कड़ी भी दे दी हमें, छोले भी दे दिए, और साथ में दे दिया जी राजमा। और इतनी सुंदर लग रही है ना ये प्लेट। सिंह साहब ये कितने रुपए की है? ये हाफ 60 रुपीस की है सर जी। और फुल 80 रुपीस। फुल 80 रुपीस है भाई। लोअर बाजार में जब आप टनल को क्रॉस करोगे ना, जो ये सीटी की आवाज आ रही है, इससे आपको पता लग जाएगा कि सरदार जी की जो दुकान है ना वो पास ही है। पूरा दिन ऐसी सीटियां बजती रहती हैं। खाना देखते, एक बार आप लुक देखो, ये कड़ी है, इसमें अगर भाई पकौड़ा होता ना, मतलब चार चांद लग जाते, पर यहाँ पकौड़ा नहीं दिया जाता। ये है जी, ये दिखाइए भाई, ये है जी छोले, और इसके अंदर जीरा वगैरह अच्छी मात्रा में डाला गया है। ये साथ में जी चावल, चावल तो मतलब है ही है। साथ में जी राजमा, पहाड़ी राजमा, लोकल शिमला के ही है ये। इनका स्वाद देखते हैं। ओ एकदम भाई होम कुक्ड मील है, मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो ना यूजुअली क्या होता है, हम एज ए टूरिस्ट जब जाते हैं ना घूमने, तो वही सब चीजें खाते हैं जो पंची हो, क्योंकि ये सब चीजें देखो घर में ही बनती हैं, आप बाहर खाते भी हो, पर टूरिस्ट स्टेशन पे आकर होता है कि पंची करारा तेज खाना खाओ। ये वैसा खाना है, ये बिल्कुल कम मसालों वाला खाना है। जब वो वाले आप खाने, जो पंची वाले हैं, खा के थक जाओगे ना, तब आप इन खानों को ट्राई कर सकते हो। वो वाली चीज़ है, राजमा तो ज़बरदस्त लगे, बाकी छोले ट्राई करके देखता हूँ कैसे हैं। ऑयल फ्री। आपके साथ में दुकान है ये वाली, ये बैग वाली जो दुकान है सिंह साहब की है। मैं तो भाई पहली बार आऊँ, ये बेटर बता सकते हो सर कैसा स्वाद रहता है? बहुत बढ़िया है, ऑयल फ्री रहता है, तेल नहीं होता इसमें, बिना तेल के। देखो जो लोकल बताएगा ना वो वोकल और सच बताएगा। छोले एकदम बढ़िया, और साथ में जी कड़ी बढ़िया ना, कड़ी थोड़ी पतली है, जैसे हम खाते हैं ना वो गाढ़ी होती है, और पकौड़े वाली होती है। अगर तो आप पकौड़े वाली कड़ी पसंद करते हो तो ये आपको वो मज़ा नहीं देगी उस लेवल का। एक ही जो तीनों में से मैं रिकमेंड करूँगा वो है भाई राजमा चावल, वो ज़रूर ट्राई करो, वो एकदम अच्छे चटनी के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा। ये तो था भाई घर का बना हुआ खाना, अब खिलाऊंगा एकदम बाजारू, एकदम तेज, एकदम चटपटा, एकदम वो वाले फ्लेवर होते हैं ना जो आप उंगलियां भी खा लेते हो साथ में, वो वाला। चलो आ जाओ भाई। आज तक ना हमने सरदार जी को छोले भटूरे बेचता देखा होगा, आज तक आपने देखा होगा सरदार जी को दाल मखनी बेचते हुए, पराठे बेचते हुए, पर आज जिस सरदार जी के पास आपको लेके आना, ये ऐसी चाइनीज आइटम बेचते ना कहीं और मिलती नहीं, ऐसी चाइनीज आइटम खुद चाइना के अंदर ही नहीं है। ऐसा क्या स्वाद है, ऐसा क्या कमाल है, अब आपको दिखाता हूं वो आइटम है क्या चीज। भाई ये सेटअप देखिए, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे कस्टमर बैठे, ये रहे सिंह साहब। सिंह साहब सत श्री अकाल। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। ये अभी खोला ही हुआ, पिटारा बंद मत करिए, दिखाइए एक बार मोमोज। कौन से मोमोज है सर? ये वेज मोमोज। वेज मोमोज, वाह। ये देखिए सामने प्लेट लगकर तैयार है वेज मोमोज की, और जो पीस का साइज है भाई मोमो का वो काफी बड़ा है सर। मतलब अगर पंजाबी सरदार जी खिला रहे तो मोमोज भी बड़े हो गए। मोमोज बड़े हो गए, सही है जी। ये हाफ प्लेट जो है लगकर तैयार है एकदम बढ़िया से। ये सेटअप दिखाना चाहूंगा, पीछे देखो हमारे जो सारे भाई हैं वो बिजी हैं। चाउमीन लग के तैयार हुई है सर? ये चाउमीन। अरे वाह,
ये देखिए जी चाउमीन लगकर तैयार हुई है, एक बार लुक चेक करें यार आप। सिख साहब मैं अभी बात कर रहा था, जो हमारे सरदार भाई हैं सिख भाई हमारे, वो ज़्यादातर देखो या तो ढाबा चलाते हैं या बेचते हैं छोले भटूरे। मैं चाइनीज़ वाले जो सिंह हैं वो कम देखे हैं। पैशन होता है सर। नाम बताइए सर क्या आपका? मेरा नाम वसनीत है, एनी बोलते हैं लोग मुझे। एनी, नाम ही बड़ा आपका फैंसी है, जैसा फैंसी खाना बेचते हैं। क्या क्या रहता है सर थोड़ा बताइए अपने बारे में। हमारे पास मोमोज होते हैं, मोमोज होते हैं, कुरकेज हैं, स्प्रिंग रोल्स हैं, चाउमीन है, फ्राइड राइस है, मंचूरियन है, और बेस्ट सेलिंग हमारा चाइनीज पराठा है। चाइनीज पराठा? पराठा भाजी, पराठा आलू का होता है, पराठा गोभी का होता है, पनीर का होता है, चाइनीज का पराठा। पहले तो ना एनी भाजी अभी बताया आपने बहुत कुछ है, जब तक देखेंगे नहीं मुंह में पानी नहीं आएगा। यहाँ पे दिखाइए सामने क्या क्या है। मोमोज है सर, एक पीस खोल के दिखाएंगे क्योंकि साइज जो है ना बहुत बड़ा है। ये देखो, अरे वाह यार भाई, इतने फ्रेश वेजीज ना, पूरा पत्ता गोभी देखो एकदम बढ़िया मसाला लगा के भरी हुई है। और ये पीछे शेफ साहब देखें, तड़के में तड़का एकदम कमाल का। ये सामने रोल्स कौन से हैं सिंह साहब? ये स्प्रिंग रोल्स हैं जी। ये स्प्रिंग रोल्स, और ये जो सैलड भाई चलता है साथ में मोमोज के वो है, वाह। और भैया आप क्या लगा रहे हैं? चाइनीज पराठा, यही है ये चाइनीज पराठा लग रहा है। एक बार सर शुरुआत से लगा के दिखाई कैसे लगता है ये। ये देखे मेरे भाई सामने जो पराठा है ना, ये मैदे का रहता है सर? ये मैदे का, प्योर मैदे का भाई ये पराठा है। उसको बेला जाएगा नॉर्मल पराठे की तरह, तो ये सीधा आ गया जी इनके पास पराठा। और ये देखो एकदम बढ़िया से जैसे नॉर्मल पराठा लगता है। अभी तक तो सर ये वैसा ही जैसे नॉर्मल पराठा होता है। अभी आप देख ही रहे हो बहुत कुछ होगा। अच्छा ये क्या है सर? ये है कि स्टफिंग, इसकी मेन जो स्टफिंग है, वेजीज की स्टफिंग है। ये मेरे ख्याल सर जो मोमोज वाली स्टफिंग आपकी भाई, सही है भाई, मैंने लुक देख ली थी मोमोज की, मैं पहचान गया हूँ। और ये क्या रहा सर? नूडल, ये नूडल आएंगे। अरे वाह चाउमीन भी आ गई भाई, चाइनीज तो फिर चाइनीज तो बिल्कुल बिल्कुल सर। ये आ जाएगा चीज, क्या बात है। ये शेफ साहब आपने ईट उठा ली, डर रहा हूँ मैं। अच्छा ये घिसाई जा रही है भाई, ये चीज है, वाह वाह, पूरा चीज लोडेड भी रहेगा। ये चीज लोडेड रहेगा, साथ में पनीर भी आएगा इसके अंदर। क्या बात है यार, मतलब पूरा लोडेड आइटम है ये। और ये पीछे तो ना कढ़ाई जो है, अभी क्या लगा रहे हैं साहब कढ़ाई के अंदर? पराठा डालेंगे। अरे कढ़ाई में पराठा डालेंगे भाई, ये पहले ही पता लग गया मेरे को। अभी फिलहाल आप ये देखो, ये चीज के बाद आ गया जी पनीर, वाह। और सर जो ये आइटम है सिर्फ शिमला में मिलती है? ये शिमला में मिलती है, और हिमाचल में किसी और जगह नहीं है। जबरदस्त मेरे भाई, क्योंकि ये चीज जो है ना यहीं से शुरू हुई है और यही मिलती है। ये देखिए जी ऊपर आ गया हरा धनिया, ये देखो भाई डबल, क्योंकि पराठा इतना मोटा बनाना भी, ये ऐसे क्लोज किया जाएगा। ये देखिए जी, अरे वाह, ये देखिए जब, अरे क्या बात है, ये देखिए कैसे क्लोज किया जा रहा है एकदम बारीकी के साथ। सर ये मतलब आइडिया कैसे आया कि आलू पराठा छोड़ के चाइनीज पराठा बनाया जाए? चाइनीज पराठा सर लोगों की डिमांड होती है, पराठा चाहिए पराठा चाहिए। पंजाबी पराठा छोड़ के अब चाइनीज जब आइटम खोल रही है तो चाइनीज पराठा भी शुरू। अब आपकी दुकान में जो सामान था आपने सोचा पराठा तो लोग मांग ही रहे हैं, तो इसी सामान का यूज करके कॉम्बिनेशन देके भाई लोगों को खुश किया जाए। एक बार उठाइएगा सर इसको हाथ में भाई, ये पराठा चेक करो कितना भारी भरकम है, एक ही मेरे हिसाब से काफी है बंदे के लिए। ओ भाई इसको किया जाएगा फ्राई, डीप फ्राई किया जाएगा। ओ भाई साहब ये तेल के समुंदर में गोते खा रहा पराठा भाई, जब लग रहा था ना मुझे लगा कि ऐसा पराठा तवे पे सिकेगा कैसे, पर अब पता लग रहा है भाई ये तवे पे नहीं सिकेगा, ये फ्राई होगा एकदम बढ़िया। बस फ्राई हो गया, बस आ रहा है आप देखिए, वाह ये देखो भाई ये फ्राई हो गया कंप्लीट, और एकदम जो तेल है उसका निचोड़ा जा रहा है। और जो लुक भी है ना भाई आप चेक करो, ऐसा गया था जब ये था ऐसा होकर बाहर निकला। सिंह साहब जैसे ये डीप फ्राई होता है इसके अंदर तेल तो नहीं भरता? नहीं, अंदर नहीं भरता। क्यों भाई, जैसे तेल में गया मेरे को तो था अंदर तेल भर जाएगा इसके। फाजी कह रहे हैं इसके अंदर बिल्कुल भी तेल नहीं होगा। ओ वाह करण सुन रहे हो आप, एकदम अल्टीमेट, अरे वाह, और एकदम पिज्जा की तरह जबरदस्त यार। इसको सर स्टफ पिज्जा भी बोल सकते हैं ना, पिज्जा कह सकते हो, बस वो होता है कि ओवन में बेक्ड होता है या फ्राइड है। अरे वाह, सबसे पहले इसमें रेड चिली सॉस लगेगा, ये शेजवान सॉस आ गई भाई। ये देखो भाई ये हरी चटनी, वाह भाई अभी ऊपर कलाकारी रहती है, प्याज भी आएंगे, अंदर भी इतना सारा मसाला आया और ऊपर भी, ये ऊपर कैबेज, वाह ये सर क्या रहा, लिक्विड चीज है, मेयो, ये मेयो है। ये भाई आ गई भर भर के मेयोनीज, लगकर तैयार है सर ये? नहीं नहीं अभी अभी बारिश होगी सर। अच्छा पनीर की बारिश, क्या बात है जी, दिसंबर आने वाला है, यहाँ बर्फ पड़ने वाली है और इधर पनीर की बारिश हो रही है, वाह 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 एकदम बढ़िया से भाई। ये देखो भाई पूरा जो सारा साजो सामान था ना वो ढक दिया गया है, और बार बार जो मेरी आंख रुक रही है वो रुकती है यहाँ पे जाके। भैया थोड़ा सा हटिएगा वॉक से, ये देखो ये जो नूडल्स का वॉक है ना ये तो भाई रुकता ही नहीं है, ऐसे ही चलता रहता है। और ये ऊपर ये हरा धनिया, हरा धनिया आया, और ये फ्राइड नूडल्स, फ्राइड नूडल्स, क्या बात है ये फ्राइड नूडल्स, वाह 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 क्या बात है यार। अभी कैचअप भी आएगी, ये चाइनीज पराठा नहीं भाई, मैप पे जैसे चाइना बड़ा ना ये भी बड़ा, इसकी मेकिंग जो है ना होती ही जा रही है। ये ऊपर क्या रहा है? ये चाट मसाला, चाट मसाला,
वाह, ये देखिए भाई चाइनीज पराठा फाइनली जो पराठा वो लग के तैयार है सर जी, बिल्कुल। इसकी सर क्या कॉस्ट है चीज चाइनीज पराठा है 140। इमला में ना सरदार जी भेज रहे चाइनीज फूड, और चाइनीज फूड में भी ऐसा फूड जो कहीं और मिलता ही नहीं। किसी ने सोचा था भाई चाइनीज पराठा भी होता है? मैं तो देखा ही पहली बार और खाने भी पहली बार लगा, ऐसी भी चीज होती है। तो एक बार आप पास से दिखाओ भाई, ये चाइनीज पराठा। अब इतना ज्यादा लोडेड है ना ये कि मतलब क्या ही बताऊं। खा के देखते स्वाद कैसा है। ओ जो भाई स्टफिंग है ना अंदर की, वो है बहुत ही ज्यादा स्पाइसी, मतलब इतनी स्पाइसी है ना अगर वो अकेली स्टफिंग खा लोगे तो पानी ढूंढते फिरोगे। पर ऊपर जो पनीर, उसके बाद जो चीज और उसके बाद मेयो, वो है उसकी वजह से चटपटा फ्लेवर बन गया। बेसिकली कुल मिला के ऐसा है, ये फ्लेवर जो है हम खाते हैं ना वो पैन फ्राइड मोमोज वगैरह थोड़ा उससे मिलता जुलता है, पर इनहेंस्ड है क्योंकि इसके अंदर पराठे का क्रिस्प बहुत ज़्यादा है। डिफरेंट आइटम है, अगर पहली बार ट्राई करना चाहते हो तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आओ। अगर आपको ऐसी चीज़ें खानी पसंद है जो चटपटी चाइनीज़ होती हैं, चाइनीज़ के फ़ैन हो ना, नूडल मंचूरियन स्प्रिंग रोल हर शहर में हर जगह खा के बोर हो चुके हैं, तो ये तो ट्राई करना मस्ट है।